समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए चलते हैं आज की खबर की ओर। जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना के 21 साल के बेटे का निधन। आज एयर एम्बुलेंस से लाई जाएगी पार्थिव देह और शाम को होगा अंतिम संस्कार। जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना के 21 साल के बेटे अमोल सक्सेना का रविवार को दिल्ली में निधन हो गया था। वजह हीट स्ट्रोक बताई जा रही थी। एयर एम्बुलेंस से अमोल का पार्थिव देह आज दिल्ली से जबलपुर लाया जाएगा और अंतिम यात्रा शाम 5 बजे कलेक्टर बंगला से ग्वारी घाट के लिए निकाली जाएगी। बता दें कि अमोल दिल्ली में फिल्म स्टडीज का कोर्स कर रहे थे। बताया जा रहा है कि रविवार को सुबह दिल्ली में अमोल का केयरटेकर जब उन्हें देखने गया तब उनकी स्थिति काफी चिंताजनक थी और उन्हें एम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। यहां इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। कलेक्टर दीपक सक्सेना जबलपुर में मां गंगा देवी सक्सेना, पत्नी रचना सक्सेना के साथ रहते हैं और बेटी दर्शन सक्सेना दिल्ली में पढ़ाई कर रही है। 1 महीने से वे जबलपुर में मां पिता के साथ रह रहे थे। बेटे की हालत खराब होने की सूचना पर कलेक्टर दीपक सक्सेना नागपुर से दिल्ली के लिए रवाना हुए, लेकिन दिल्ली पहुंचने से पहले ही उन तक यह खबर आ गई कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, जिसके बाद कलेक्टर जबलपुर वापस आ गए। बताया जा रहा है कि अमोल की शनिवार को तबीयत खराब हुई थी, जिसके बाद रविवार को उन्हें दिल्ली में एम्स के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था और कलेक्टर दीपक सक्सेना ने दिल्ली एम्स के डॉक्टर से रिक्वेस्ट की है कि बॉडी का पोस्टमार्टम कराया जाए ताकि मौत की असली वजह सामने आ पाए। इस दुखद खबर के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, पंचायत ग्रामीण मंत्री प्रहलाद पटेल एवं जदयू के प्रदेश अध्यक्ष सूरज जायसवाल सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि ने कलेक्टर के पुत्र अमोल सक्सेना के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की। ये थी आज की खबरें। और खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज़, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।